भाइयों और बहनों, दिल्ली में जब कांग्रेस की बेईमान सरकार थी और यहां पर सपा और बसपा की जातिवादी सरकारें रही है, तो क्या स्थिति पूर्वांचल की थी ये आप भली भांति जानते हैं। गरीब के स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने कैसी लापरवाही बरती ये आपने देखी है। इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार के कारण गरीब के बच्चे की जान संकट में थी और ये अपने जातीय समीकरण, अपने वोट बैंक उसको साधने में जुटे रहते थे। आपके इस सेवक ने योगी जी की सरकार के पास उनके साथ मिलकर स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। हमने साफ सफाई से लेकर इलाज तक की एक संपूर्ण व्यवस्था पर काम शुरू किया है। आधी बीमारी तो शौचालय बनने और अपनी स्वच्छता सुनिश्चित करने से ही दूर हो जाती है। हमने पहली बार टीकाकरण के अभियान में जापानी बुखार का टीका भी उसमें जोड़ दिया है, जो अब बच्चों को लगाया जा रहा है। साथियों, यही नहीं, आशा वर्कर हो, एएनएम हो और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अब माताओं और बच्चों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, उन्हें विशेष उपकरण दिए गए हैं ताकि वो समय रहते बीमारी को पहचान पाए। सबसे बड़ी बात ये कि अब गरीब को इलाज के लिए अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है, जमीन गिरवे रखने की जरूरत नहीं है, घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। घर में अगर दो चार गहने हैं तो बेचने की जरूरत नहीं है। गरीब किसी भी जाति का, गरीब किसी भी संप्रदाय का हो, उसके लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था आपके इस चौकीदार ने की है। आज गरीब से गरीब को भी आयुष्मान होने का भरोसा मिला है और इसका मुझे बहुत संतोष है।